हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा एचटीएमएल का ट्यूटोरियल चल रहा है, जिसका ये पार्ट 7 है। और आज के इस वीडियो में हम फॉर्म टैग के बारे में देखेंगे कि किस तरह से हम फॉर्म टैग को जो है वो क्रिएट करते हैं। फॉर्म टैग हमारे वेब पेज में एक फॉर्म को क्रिएट करता है और उस फॉर्म टैग से अपने यूजर से जो वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो आज हम एचटीएमएल में फॉर्म टैग को ही देखेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने प्रोग्राम में आने के बाद देखिए, मैंने यहाँ पे एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट की फाइल ली हुई है और इस फाइल का नेम जो है वो मैंने फॉर्म डॉट एच एम एल के नेम से सेव किया हुआ है। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे जो टाइटल दिया हुआ है, टाइटल में मैंने लिखा हुआ है एच एम एल फॉर्म टैग के नेम से यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है। अब ये जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर ही आपने पूरे जो है वो फॉर्म को क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम एक टैग ओपन करेंगे, वो है फॉर्म टैग। फॉर्म टैग को ओपन एंड देन क्लोज करने के बाद इसके अंदर हम एक और एट्रीब्यूट यूज करेंगे, वो है इनपुट। के बाद एक और एट्रीब्यूट यूज करेंगे, वो है टाइप। और टाइप के अंदर हम लिखेंगे टैग्स। और उसके बाद अगेन हम एक और एट्रीब्यूट यूज करेंगे, वो है नेम। अब ये जो नेम है, इस नेम से सर्वर को पता चलता है कि किस नेम से जो है यहाँ पे डेटा इनपुट हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। और यहाँ पे हम एक और एट्रीब्यूट यूज करते हैं, वो है प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर के अंदर हम लिखते हैं इंटर। और एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम लिख लेते हैं। और इस पूरी लाइन को हम करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हम इसको करते हैं पेस्ट। और इन सब के बीच में हम लाइन ब्रेक करने के लिए बी आर का जो है वो टैग ओपन कर देंगे, ताकि इन सब के बीच में जो है वो थोड़ा लाइन ब्रेक शो। इसको करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए, अब इसमें जो सेकंड वाला है, इसमें हम लिख लेते हैं लास्ट नेम, लास्ट नेम। और टैक्स तो इसका यही रहेगा, मीन्स कि इसकी टाइप जो है वो टैक्स ही रहेगी। अब जो इसका नेम एट्रीब्यूट है, इसको हम कर देते हैं लास्ट नेम, लास्ट नेम। और प्लेस होल्डर में आके हम इसको कर देते हैं लास्ट नेम, लास्ट नेम। ऊपर भी कर देते हैं हम फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। के बाद हम यहाँ पे कर देते हैं ईमेल, योर ईमेल, योर ईमेल। और इसकी जो टाइप है वो टैक्स ही रहेगी। और यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट में आके हम कर देते हैं इसको ईमेल। और यहाँ पे प्लेस होल्डर में कर देते हैं इंटर योर ईमेल, ईमेल कर देते हैं। उसके बाद अगेन इस पूरे को हम करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हम इसको करते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं पासवर्ड। पासवर्ड और इसकी जो टाइप है, टाइप में हम लिखेंगे इसकी पास। और नेम में हम लिखेंगे पासवर्ड, पास लिख देते हैं हम। उसके बाद हम इंटर योर पासवर्ड यहाँ पे भी कर, पासवर्ड करने के बाद तो यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट यूज करूँगी, वो है टैक्स एरिया। इसको ओपन एंड देन क्लोज करेंगे हम। क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे एक रॉ देंगे कि हम इसकी कितनी रॉ चाहते हैं। हम 10 कर देते हैं और यहाँ पे हम इसकी कॉलम कर देते हैं, कॉलम हमें चाहिए 30। 30 करने के बाद हम इसके बाद यहाँ पे इनके बीच में बी आर का जो है वो टैग भी लगा लेंगे। इसको हमने किया कॉपी पेस्ट, अगेन किया हमने इसको पेस्ट। और अब हम एक बटन बना लेंगे। तो उसके लिए हम एक इनपुट लेंगे, इनपुट। और यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सबमिट, सबमिट। और हम यहाँ पे नेम देंगे, नेम एट्रीब्यूट के अंदर लिखेंगे हम बटन। और हम इसका लिखेंगे वैल्यू, वैल्यू के अंदर हम लिख लेते हैं सेंड, सेंड। और एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और इस पूरे को हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद हम इसे रिफ्रेश करके देखेंगे गूगल पे किस तरह से दिख रहा है ये। तो आते हैं अपने क्रोम पे और इसे चेक करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल सा जो है वो फॉर्म जो है वो क्रिएट हो गया। तो हमने देखिए, यहाँ पे फर्स्ट नेम जो हेडिंग दी थी वो यहाँ पे शो हो रही है। और प्लेस होल्डर के अंदर हमने जैसे लिखा था इंटर योर फर्स्ट नेम, इंटर योर लास्ट नेम, इंटर योर ईमेल, तो ये सब यहाँ पे शो हो गया। तो देखिए, यहाँ पे जो हमने
टैक्स एरिया में लिखा था, टैक्स एरिया का भी पूरा यहाँ पे हम कुछ भी टैक्स लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए नीचे एक बटन भी यहाँ पे सिंपल सा जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से जो आप एक सिंपल से जो है फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई हेडिंग देना चाहते हैं ऊपर, तो आप इजीली वो H1 H2 की हेडिंग भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। थैंक यू।